वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरु। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस। श्री कृष्ण भारतीय इतिहास के एक ऐसे चरित्र हैं जो हर देश काल परिस्थिति के बंधन से परे, इन सभी चीज़ों से मुक्त, प्रत्येक युग में चिर प्रासंगिक हैं। आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर मैं महाभारत में कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुए संवाद के एक अंश आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आशा है आप पसंद करेंगे, सुनिएगा। मधुसूदन से यूं बोले पार्थ, समझाएं अपना रूप यथार्थ। हैं आप कौन और कैसे हैं, बतलाते सब क्या वैसे हैं। अर्जुन से तब बोले भगवन, अर्जुन से तब बोले भगवन, दे ध्यान जरा कुंती नंदन। मैं आदि अंत में अरिहंत में अजर अमर अक्षर अनंत में नित्य निरंजन निराकार में निर्गुण निर्भय निर्विकार मैं अगम अगोचर अंतर्यामी मैं सकल चराचर का स्वामी। मैं विश्व रूप घट घट में व्याप्त मैं अनंग अनन्य अज्ञेय अजात मैं सृष्टा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान मैं सृष्टा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान मैं भूत भविष्य मैं वर्तमान मैं कारण हेतु मैं ही निमित्त मैं अजय अगाध अव्यक्त अमित मैं महामृत्युंजय मैं महाभूत मैं अतुलित अनुपम अचयूत मैं अनंत रूप मैं अनंत नाम मैं कमल नयन मैं कृष्ण राम। मैं अनंत रूप मैं अनंत नाम मैं कमल नयन मैं कृष्ण राम मैं स्वयंभू शंभु मैं महाकाल मैं स्वयंभू शंभु मैं महाकाल मैं जीवन ज्योति का महाज्वाल पाते मुझको बहुभाति लोग कर जब तब भक्ति ध्यान योग कहता तुझको अनन्यतम मार्ग हो शरणागत सब धर्म त्याग कहता तुझको अनन्यतम मार्ग हो शरणागत सब धर्म त्याग निज वचन कर्म कर मम अधीन कर आत्मसमर्पण हो मुझ में विलीन मैं हरूंगा तेरे पापों को भय भ्रम क्लेश संतापों को ये सहज सरल सुलभ युक्ति सब द्वंद्वों से देगी तुझको मुक्ति।